गावा प्रखंड सांचल कार्यालय के सभागार में प्रखंड प्रमुख ललिता देवी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य मेला शिविर लगाने को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की गई। बताया गया कि स्वास्थ्य मेला का आयोजन 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन तीज पर्व को लेकर मेला का आयोजन आगे बढ़ाने की सहमति बनी है और अब 22 सितंबर को प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य मेला के सफल आयोजन को लेकर 3 दिन पूर्व से पूरे प्रखंड में प्रचार प्रसार किया जाएगा, साथ ही सहिया सेविका और फ्रंट लाइन कर्मियों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण स्वास्थ्य मेला में आकर अपने बीमारियों का इलाज करा सके। स्वास्थ्य मेला में हेल्थ चेकअप के लिए 15 से 16 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी बनाने का स्टॉल लगाया जाएगा। सामान्य चिकित्सा सहित विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच और दवा दिया जाएगा। मौके पर BDO महेंद्र रविदास, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, BEO तितुलाल मंडल, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार, MO प्रदीप राम, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना कुशवाहा, BPRO संजय कुमार, सोनू साव, राजदा खातून समेत कई उपस्थित थे। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट पर रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पवित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह।